हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी अब काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ, बस थोड़ा बहुत जो है वो कोल्ड वगैरह रह गया है। आपको मेरी वॉइस से पता लग ही रहा होगा। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। और थैंक यू सो मच आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए मेरी अच्छी हेल्थ के लिए, सबने प्रे किया और मुझे बेस्ट विशेज़ दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एक टैडी, ये मुझे जस्ट अभी रिसीव ही हुआ है। ये मैंने एरॉन के लिए मंगवाया था स्पेशली फ्लिपकार्ट से, अपनी कज़न सिस्टर अंजलि के बेटे के लिए। तो लेकिन दुख की बात ये हुई कि जब तक ये हमें रिसीव हुआ तब तक वो यहाँ से जा चुके थे, उनको चंडीगढ़ वापस जाना था। उनको आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो वो अभी यहाँ पर नहीं हैं। तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा चलो ये टैडी जो है वो हम रख लेते हैं और हम एरॉन को न्यू टैडी जो है वो भेज देंगे। तो यहाँ पे ये टैडी पे दिल आ गया हमारा। आप मुझे बताना कि आपका भी दिल इस पर आया कि नहीं। कितना प्यारा टैडी है ना, देखिए। टाइम हुआ है 8 और मैं और पापा गए थे काइट्स लेने क्योंकि कल है लोहड़ी। और अभी दीदी पैटी खा के हटे हैं, वो देखो पैटी की प्लेट। निशान ने बन्नू को ला के दिया बहुत सारी काइट्स और ये डोर, ये जो दिखा रहा है। कल एक्चुअली लोहड़ी है और पंजाब में फेस्टिवल बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। चलो हम वैसे सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, पर जब सभी काइट्स उड़ाएंगे तो बन्नू भी वहीं पे काइट्स उड़ाएगा, इसीलिए ये आपको दिखा रहा है। और बहुत ज़्यादा खुश है इतनी सारी काइट्स को देख के बन्नू। हाय, मैं भी आ गया ब्लॉग में। हाय एवरीबॉडी। ब्रो देखो मैं अभी जेम्स खाने लगा। पापा जेम्स। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। और पता बन्नू की काइट उड़ाने का एक फायदा है कि ये ना फिर ऊपर रहेगा, फिर है ना बन्नू कल सारे ऊपर है, छत पे रहेगा मतलब, और काइट छुड़ाता रहेगा। फिर मैं फोन यूज करूँगा। कुछ कहना चाहेगा तो इसमें तू कहेगा वैसे तो यूज करते ही नहीं। देखो ये कैसे बैठा हुआ। इसने अभी जस्ट पैटी खाई, उसको खाया मुझे लगता अब जाके 5 मिनट हुए, पहले ही अभी पैटी खाई और वैसे ही जेम्स खाने लगा था। मम्मा ने कहा 5 मिनट बाद खानी है। अभी जस्ट खाई, इसको टेस्ट का नहीं होता कि मेरे मुंह में टेस्ट रहेगा या नहीं, इसको होता है बस खाना है तो खाना है तो खाना, ऐसा सा है। कुछ कहना चाहेगा तो अपने इस बर्ताव पे। ये ना काइट अच्छी उड़ा लेता है वैसे, है ना बन्नू। और 8 बज गए हैं, बन्नू ने जैसे कि बता ही दिया है। और देखो अभी आगे क्या होता है मुझे भी नहीं पता। वो पतली सी टंडी, अब मम्मा आएंगे शायद। कूलर पे डोर थी। ओके बाय मेरी तरफ से। कूलर आपको पता है कि मैं बीमार हो गई थी और मेरे बीमार होने के बाद आपको पता कन्नू भी बीमार हो गई थी, इसलिए मेरा व्लॉग जो था वो एक दिन नहीं आया। और अभी कन्नू भी ठीक हो गई है। मैं बातें कर चुका हूं। अच्छा, कन्नू भी अपना बना चुकी है वीडियो। तो पन्नू ने अभी पैटी खाई है, अभी फिर जेम्स के पीछे पड़ गया। इसको मना भी किया है कि अभी नहीं खानी है। एक दे दे मुझे कोई भी, मेरे हाथ में डाल दे। थैंक यू। और अभी निशान आए थे ड्यूटी से तो ये कह रहा था कि पापा कल मेरे को भी काइट उड़ानी है क्योंकि कल लोहड़ी है और सारे बच्चे काइट्स उड़ाएंगे ऊपर, मैं भी काइट उड़ाना चाहता हूँ। तो निशान को तो छुट्टी नहीं है, पर निशान ने इसको इतनी सारी काइट्स ला के दी हैं। कह रहे हैं अच्छा बता रहे हैं कल पापा जल्दी आ जाएंगे। और ये देखो कितनी सारी काइट्स ला के दी हैं निशान ने इसको। ये ना इसका टॉय है एक तरह से। देखो इतनी सारी मैंने खोल ली नहीं ज़्यादा। और ये डोर भी इसको निशान ने ला के दिया है। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो है, आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा पता लग रहा होगा कि मेरी अभी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है, कुछ वीकनेस है अभी बॉडी में। और ये देखो
और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सच में दिल से आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं नहीं आगे जा सकती हूँ। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ये टैडी, इसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये जो टैडी है ये एक्चुअली एरॉन के लिए आया था। कनिष को बिठा के दिखाओ। अंजलि आई थी ना मेरी कज़न, आपको याद होगा, ये उसके लिए आया था, पर वो वापस चले गए और ये थोड़ा आने में लेट हो गया। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और कुछ वेदर की वजह से कुछ लेट हो गया। ये देखो कितना सुंदर है। और वो मेरे से पूछ भी रहा था कि मासी मेरा टैडी कब आएगा, लेकिन वो चला गया और आज वो अपना चंडीगढ़ पहुंच गए हैं वापस। और अब ये टैडी आप पहुँचे हमारे पास, तो निशान ने मुझे कहा कि चलो उसको हम एक दूसरा टैडी अब डायरेक्टली उनके घर पे ही हम ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि वो मैं उसको बता भी चुकी थी और वो एक तरह से उसका हमने सोचा था कि उसका बर्थडे गिफ्ट होगा। देखो कितना बड़ा है, पर उसको दे अपने हाथ में। ऐसा सेम टैडी आपने देखा होगा, मैंने गोलू को भी गिफ्ट किया था, मेरी बहन को, शिफा को। देखो कितना प्यारा है, बनो हक कर उसको सीधा करके। ये देखो कितना प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसकी 2.5 फीट हाइट है, इन्होंने 3 फीट कहा था पर 3 नहीं है, 2.5 है। और कन्नू जब से ये आया, कन्नू इसको अपने साथ ही रख के बैठी हुई है। कन्नू बोल भी रही थी मुझे कि मम्मा मेरे लिए भी एक मंगवाओ, लेकिन हमने कहा चलो बाद में, लेकिन अभी शायद ये कन्नू के ही लक में था तो कन्नू को मिल गया। पैस वाली टाइट में कैसे करोगे? अभी निशान ने इसको यहाँ पे वो बना के देना है, क्या कहते हैं निशान, कन्नी डाल के देंगे यहाँ पे। निशान इसको भी सारी काइट्स के अंदर वो करके देंगे, क्या कन्नी डाल के देंगे, डोल डाल के देंगे इसके अंदर। क्या बोलते हैं, वही तलावा जो भी निशान कह रहे हैं। कहाँ पर निशान दिखाना काइट में करके, कहाँ को करोगे, एक दिखाना करके। ये कह रहे हैं कि टूथपिक से करनी थी, पर टूथपिक हमारी खत्म हो गई है। उससे बहुत तीखा होता है, तीखे होते हैं ना, अच्छा होल होता है। इसको थोड़ा नाइफ से ऐसे तीखा कर लो आगे से। नहीं, मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया था कि निशान बड़ा ज्यादा एक्सपर्ट है काइट्स उड़ाने में, कितना कितना ऊपर पहुंचा देते हैं। जो भी रोड पे जा रहे थे वो अपने साथ काइट लेके जा रहे थे। हाँ, यहाँ पंजाब में ना काइट बड़ी उड़ाते हैं, चाहे लोहड़ी हो भी ना। अभी देखो, अभी परसों देखते तब भी इतनी काइट्स उड़ रही होती। वो गोभी पड़ी हुई है, अभी मैं बस काटने लगी हूँ। ये ऐसे इसमें यहाँ पे होल करके इसमें, ये देखो मैं आपको भी एक दिखा रही हूँ। अभी निशान ने सारी काइट्स को ऐसे ही करना है, दोनों ने मार दिया एक दूसरे को। वो कन्नू मूवी इंजॉय कर रही है, सन ऑफ सरदार। साथ साथ में कमेंट्री भी, साथ साथ में कमेंट्री भी कर रही है कन्नू। और कन्नू ये दे दो टैडी अभी, ये मैंने बहुत बारी देखी, ये एरॉन के लिए मैसेज है। एरॉन, ये अभी आपका टैडी जो है वो दीदी ने ले लिया, अभी हम तेरे को एक नया टैडी फिर ऑर्डर करेंगे। हाँ, रोने मत लग जाना काके। थोड़ी देर मैं 7:26 पे उठ गया था। 7:26 PM AM सच्ची में? अपने आप ही मेरी नींद खुल गई थी। फिर क्या किया था उठ के? फिर उठ के मैंने बस मुंह भी नहीं धोया, पानी पी के चलो। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी जब बन्नू काइट उड़ाएगा। सुबह सुबह कब? सुबह सुबह भारी होता है ना, जिधर पीछे आप इतना तो होता है ना, भारी होता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे निशाने ऐसा बना दिया, ये लूप सा। अब इसके अंदर ये वाली डोर, सेम वाली यही डोर, यही डोर अभी इसमें करेगा और काइट उड़ाएगा। डोर कितने होगी? तुझे कितनी काइट्स मिली है? 11 काइट्स मिली है। इसने 11 मिनट्स में ना ये सारी काइट्स ना वो कर देनी है, खराब कर देनी है। दिखाऊंगी मैं आपको। चलो फिर ठीक है, गुड नाइट। और अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह सुबह। रहा हूँ बन्नू के पास और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। देखते हैं इससे को गाइड उड़ी हुई है कि नहीं। हाँ, उड़ी देखो। हाँ जी, तो बताओ आप क्या कर रहे हो इतनी ठंड में ऊपर है? सारी काइट्स आई ऊपर और ये जो सारी डोर है मैंने लूट ली है।
ये देखो इसके पास तो इसके पास अपनी इतनी सारी है बट स्टिल गंदी आदत से मजबूर। इसके अलावा चार पांच और उड़ा भी काइट। ये देख लो अभी ना इससे उड़ने रही। अरे देखो सारे छत पे चढ़े हुए हैं सारे ही। अभी काम हो गया पहले और देखो किसी ने तो टेंट ही लगाया हुआ है उनके घर में शायद को फंक्शन है में भी। देखो 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 अभी जैसे ये आई ना मैं सुपर कर लूंगा। देखो मैं जूम करके दिखाऊं आपको सारे मतलब सारे सारे छत पे। हाँ मुझे लगता है हमारा सारा नेबरहुड सारे छत पे आया हुआ है। ये चीज देखो और ये देखो अभी तो रुक गया तूने बताया भी नहीं भाई हल्का सा ही अभी तो और ये देखो नीचे ऊपर सब यही हाल चल रहा है। कभी की मैं ऐसी वीडियो स्टार्ट ही रखूं जाने तो जाओ मैं तो उड़ा रहा हूं। इससे अभी उड़ नहीं रही कह रहा है कि उड़ी थी पर मुझे पता नहीं कि इससे उड़ी भी है कि नहीं। सच्ची यार इतनी सारी आई है ये डोर मैंने ऐसी ले ली फिर मैं क्या करूं व्लॉग स्टार्ट ही रखूं कि खत्म कर दूं। और ये ना यहाँ पे किसने गाने चलाए हुए हैं पता नहीं किसने चलाए हुए बहुत ही तेज तेज चलाए हुए सवेरे से। और फिर से घर के सामने एक बहुत है लोगों वाली थी एक अभी फिर आई थी। ये देख लो इसकी कोशिश जस्ट कोशिश ब्लॉग चल रहा है मेरे से उड़ी नहीं रही है। इसका यही होता है जब मैं ऊपर आ जाऊँ तो ये बोलता है कि आप आ गए यार इसलिए नहीं उड़ रही। इसको आती है उड़ानी ऊपर ठंड बहुत है वो देखो कितनी फॉग है पीछे पर एक काइट फ्लायर्स को कुछ नहीं पता चल रहा। फ्लायर्स ठीक है ना पर एक काइट फ्लायर्स को कुछ नहीं हो रहा है। मेरा तो ऊपर आके सिर दर्द होने लगे इतनी शोर इतनी नहीं इतना शोर और इतनी नॉइज है ना बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है फिर व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि मेरे भाई से काइट उड़ नहीं रही है। अगर उड़गी बहुत कम है पे देखो तारे तारे इन केस उड़गी तो फिर हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देंगे। बाय बाय।